गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत मस्त होंगे। एंड बहुत दिनों के बाद आज मैं लेकर आई हूँ मेकअप वीडियो। सो आज का जो मेकअप रहेगा वो न्यूड मेकअप रहेगा एंड आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जो कि आप डेली यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप कहीं हॉलीडे पे, शॉपिंग पे या फिर कहीं भी जा रहे हैं जहाँ पे आप नो मेकअप लुक चाहते हैं, सिर्फ हल्का सा ग्लो एंड टचअप चाहते हैं अपने फेस में, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड कैसा लगा मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड प्लीज़ ढेर सारे लाइक्स देके जाइएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मेकअप स्टार्ट करने के पहले हमें सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना चाहिए एंड एक सॉफ्ट टॉवल से टैप टैप करके उसे पोंछ लेना चाहिए ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। एंड सिर्फ फेस वॉश से काम नहीं चलेगा, हमें क्लीन अप करना भी बहुत ज़रूरी है। हर एक मेकअप के पहले मैं ज़रूर प्रेफर करती हूँ ये चीज़ कि मैं थोड़ा सा क्लीनअप क्लिनज़र से अपने फेस को क्लीन कर लूँ। तो मैं यहाँ पे अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी एंड फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना मेकअप। तो यहाँ पे फेस अच्छे से क्लीन हो चुका है एंड मैं पफ की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। एंड उसके बाद हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा मॉइस्चराइज़र। हम सबसे पहले अपने फेस को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करेंगे क्योंकि विंटर सीजन है, हमें बिल्कुल ड्राई नहीं रहने देना है अपने फेस को। फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है। मॉइस्चराइजर के बाद मैं यहाँ पे लगाने जा रही हूँ ये एसेंशियल ऑयल है सोनिशा का, तो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ। सो एसेंशियल ऑयल लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ प्राइमर। ये है मैक का, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं प्राइमर। आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट से अपना मेकअप कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ कलर एसेंस की स्टिक है ये, तो मैं इसे अपने पूरे फेस में अप्लाई करूँगी एज अ फाउंडेशन। ओके, अप्लाई हो चुका है फाउंडेशन। एंड हमें इसे फिक्स करने के लिए थोड़ा कॉम्पैक्ट यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ मत कीजिएगा। आप लूज पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्लैमर कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ मियोन का। सो इसे हम ब्रश की हेल्प से थोड़ा ही लगाएंगे, ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है, थोड़ा ही लेना है इसे। एंड अपनी आईज़ पे जहाँ भी क्रीज लाइंस पड़ती हैं ना फाउंडेशन के बाद, सिर्फ वहीं अप्लाई करना है। बाकी पूरे फेस में इसे हल्का हल्का ही अप्लाई कीजिए। टी जोन में अप्लाई कर लीजिए आप, जहाँ आप स्माइल करते हैं तो क्रीज कट हो जाते हैं वहाँ अप्लाई कीजिए। तो मैंने जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट था ब्रश में उसे मैंने अपने पूरे फेस में अप्लाई कर दिया है और सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है मैंने आईज़ पे, टी जोन पर एंड स्माइल करने के बाद जो यहाँ थोड़े क्रीज लाइंस पड़ती है तो वहाँ पे, ठीक है, हमें वहाँ पे ऐसे अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। एंड उसके बाद हम, तो मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का आई शेडो यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रोज के लिए। हल्का हल्का सा हम अपने आईब्रोज को डिफाइन करेंगे। वैसे मेरी आईब्रोज वैसे ही बहुत घने हैं, ज़्यादा यूज़ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी जब हम कॉम्पैक्ट वगैरह लगाते हैं तो थोड़ा सा हमारे आईब्रोज पे भी लग जाता है, तो जस्ट उसे हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे तो आफ्टर आईब्रोज हम यहाँ पे करेंगे
थोड़ा सा आई शेडो यूज, वो भी न्यूड शेड में हमें करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई भी डार्क शेड थोके से भी नहीं लेना है, क्योंकि ये पूरा न्यूड मेकअप है। सो न्यूड आई शेडो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन लाइट ब्राउन शेड है ये। हल्का सा अपने आईलेट पे अप्लाई करना है। वही ब्राउन शेड लेकर के हम थोड़ा सा स्मोकी लुक दे रहे हैं नीचे साइड में, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, लाइट सा अपने ब्रश में यूज़ कीजिए एंड हल्का सा अपनी आंखों के नीचे लैश लाइन के नीचे लगा दीजिए। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर की हेल्प से कर रही हूँ लाइट सा कॉन्टोर, हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर नहीं किया है, हल्का सा पाउडर कॉन्टोर कर रही हूँ। सो अच्छे से हमें अपने चीक्स पे एंड नोज़ पे कॉन्टोर कर लेना है। कंटूर करने के बाद हमें लेना है एक, या तो आप लाइट ब्राउन सा शेड ले लीजिए जो ब्राउन से शेड में ब्लस आता है, या तो फिर आप थोड़ा पीच कलर सा ले लीजिए लाइक दिस। इसे मैंने इतना यूज़ किया है कि ख़त्म होने चला। सो हम इन दोनों कलर को मिक्स करेंगे एंड हल्का सा ब्राउनिश शेड बनाएंगे एंड उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे अपने चीक्स पे। तो हमें स्माइल करना है एंड जो एरिया ये एप्पल ऑफ द चीक्स पे हमें अप्लाई करना है इसे बिल्कुल इस तरीके से। हमें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, जस्ट हल्का सा टिंटेड ड्यूई लुक आना चाहिए। दैट्स वाई हम हल्का हल्का सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल ना के बराबर। ओके सो आफ्टर अप्लाइंग ब्लश हम यूज़ करेंगे हाईलाइटर, हाईलाइट लाइट सा सिर्फ ग्लो के लिए हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाइलाइटर एंड हल्का सा अप्लाई करूँगी अपने नोज पे। या दैट्स इट एंड हल्का हल्का सा हम अप्लाई करेंगे अपने चीक्स पे। चुके हैं हाइलाइटर को, हल्का सा अपने फोरहेड पे लगाएंगे बच्चों वाले प्रोडक्ट को, हल्का सा चेन पे अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा दिखेगा फेस एंड इसके बाद लिटरली लग नहीं रहा कि मेकअप किया, बस ऐसा लग रहा है कि हमारे जो नेचुरली ग्लो आता है वैसा लग रहा है फेस एकदम। सो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे मस्कारा, क्योंकि हमें यहाँ पे काजल एंड लाइनर यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ओनली मस्कारा यूज़ करेंगे हम यहाँ। सो यह मस्कारा मैंने यूज़ कर लिया है एंड उसके बाद तो लिपस्टिक भी यहाँ पे हमें लेनी है ब्राउन शेड में, क्योंकि आज का पूरा जो मतलब ये ब्राउनिश टोन में मेकअप किया गया है। अगर हम ये पिंकिश टोन में मेकअप करें, पिंकिश ड्यूई मेकअप भी बहुत ज़्यादा पिंक ग्लो में जो न्यूड मेकअप होता है वो भी बहुत प्यारा लगता है। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर आपको पिंक कलर में भी न्यूड मेकअप चाहिए होगा तो मैं ज़रूर आगे का वीडियो बनाऊंगी। अगर हम पिंक शेड में यूज़ करते तो हम थोड़ा सा पीच कलर में जाते इस टाइप के, बट यहाँ पे हम पीच कलर यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ब्राउन कलर यूज़। तो अब उसके बाद हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे लिपस्टिक। ओके
दिस इज फाइनल लुक, कैसा लग रहा है? आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, है ना? नो मेकअप, मेकअप लुक सिर्फ हल्का सा डुई सा ग्लो है फेस में एंड नो आई शैडो जैसा लग रहा है। मेकअप अगर आपको पिंकी स्टोन में चाहिए होगा तो मुझे कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने व्लॉग्स में एंड रील्स वीडियोस से मैं बनाती हूँ तो मैं पिंक टोन में हल्का सा करती हूँ एंड वो मेकअप भी बहुत माइंड ब्लोइंग लगता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड इसमें भी बहुत सारे लाइक्स दीजिएगा और बहुत सारा शेयर कीजिएगा एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छे अच्छे लुक्स लेके आने वाली हूँ एंड कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज़ भी लेके आने वाली हूँ। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड